कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। वो बीमारी से नहीं, वो सदमे से गई है, जो उसको टॉर्चर किया गया है वो उससे गई है। मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए बस। वहाँ पे मेरे को पता लगा, आज पता लग रहा है मुझे कि वहाँ पे उसको नौकरानी बना के रखते थे, उसको उसकी सास ने भी मारा है, उससे गोल्ड लिया है, सब चीज़ें ली हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। और दिव्या जैसी लड़की, इतनी शरीफ, इतनी भोली कि पूरी इंडस्ट्री जानती है उसको, वो उसको टॉर्चर करता रहा, इतनी सहमी भी, डरी भी, कि उसको ये डर लगता था कि मेरे पापा चले गए, मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। इतना नाम उसका, 10-11 साल से उसने जो लगातार शोज़ किए हैं ना, वो खुद से सब मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँची है। एक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए उस आदमी ने शादी करी उससे, लेकिन मैं खुलेआम उसको बोलता हूँ कि भाई तू, अगर तेरे में दम है ना गबरू सेठी, तो तू आ जा सामने और तब बात करियो, अगर पुलिस नहीं मानती तो हम बात करते हैं, कोई बात नहीं। जिसकी माँ ऐसी हो तो उस बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी वाली बात है। ये एक्चुअली हर एक लड़की के लिए मैं कहना चाहूँगी। दिव्या तो हमारे बीच में नहीं रही, पर जितने उसके फैंस या उसने जिन जिन लोगों को ये सब बारे में, मुझे कभी दिव्या ने ये सब नहीं बताया, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैंने देवों को बोल दिया तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती, और मैं सिर्फ गगन से एक बार ही मिली हूँ। और अगर उस दिन मुझे एक्चुअली पता होता ना कि गगन दिव्या के साथ क्या कर रहा है, मैं ना आगे देखती ना पीछे देखती, मैं सोचती भी नहीं कि उसका मैं क्या हाल कर देती वहीं पे। एंड दिस इज टू यू गगन, गबरू, जो भी है बड़ा वाला, तू समझ ले तू क्या है। जितनी भी तूने जिंदगी में तेरी माँ बहन तूने गालियाँ दी भी नहीं होगी ना, वो सारी गालियाँ तू अपने लिए और अपने माँ के लिए एकदम संजोग के रख ले मेरे तरफ से। और जिस दिन तू मुझे दिख गया ना, तू बॉम्बे तो आना मत, कभी आना मत, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो जेल में ही जाएगा। अभी तू जहाँ पे भी भाग के गया है ना, वहीं पे भाग के छुपा रहे। और क्या बोलते ना, ऊपर की लाठी जब मार पड़ती है ना, लाठी की आवाज़ नहीं होती है। तो मतलब दिल से अगर किसी को आज मैंने बद्दुआ दी है ना, वो तुझे दी है। मतलब लिटरली बोलते हैं ना कि कीड़े पड़ जाए मर जाए, तो एक्चुअली तेरे साथ वही होगा, तेरे साथ भी होगा, तेरे माँ के साथ भी वही होगा, कि तुम लोग के बॉडी में ऐसे कीड़े पड़ेंगे ना कि कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। ऐसी मौत मरोगे तुम लोग, ऐसी हालत होगी तुम लोगों की। तुम लोगों ने ऐसी एक लड़की को टॉर्चर किया है ना, जो लड़की अपने दुश्मन को भी ना अगर बोले ना कि दिव्या मुझे एक रात के लिए खाना चाहिए, सोने की जगह चाहिए, वो वैसी लड़की थी। और तुम लोगों ने उस लड़की के साथ ऐसा किया है ना, तुम लोग तो कभी खुश रहोगे ही नहीं। तुझे क्या चाहिए था? पब्लिसिटी चाहिए थी, तुझे आइडेंटिटी चाहिए थी, तुझे बॉम्बे में काम चाहिए था। अब तू बॉम्बे में काम करके बता, अब तू बता मुझे इंडस्ट्री में काम करके, तू बता मुझे गबरू सिंह और तेरी माँ, तुम लोगों ने जितनी प्लानिंग की ना दिव्या को लेके, अब तुम लोग बताओ। मैं तुमको ओपन चैलेंज कर रही हूँ, तुम आके बॉम्बे में काम करके मुझे बताओ। सो द थिंग इज, ऑफकोर्स लीगली चीज़ें जाने के लिए वी नीड लीगल हेल्प। वहाँ पे आई नो ड्यू टू कोविड ये सब कुछ हुआ है, बट जो शुरुआत दिव्या करके गई थी, दिव्या को जब सब ने कहा तो उसने जाके NC करवा दी थी, दैट मीन्स वो प्रिपेयर्ड हो रही थी इस चीज़ को लेके फाइट करने के लिए। इस जो उसके साथ टॉर्चर हुआ है इतने सालों में, उसके अगेंस्ट वो जो स्टेप उठा के, क्योंकि मैं भी जब दिव्या से मिली, हम लोग बीच में बात नहीं कर रहे थे, काफ़ी साल बात नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ दिस मैन ओनली। क्योंकि जब दिव्या के लाइफ में ये आदमी आया था, तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि वो एक रेपिस्ट है, उसके ऊपर एक रेप केस चल रहा है, जिसके लिए लास्ट ईयर भी वो जेल जाके आया है, 10 साल की सज़ा हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दिव्या एंड बिकॉज ऑफ हिज सम क्लाइंट्स जो भी यहाँ पे थे इंडस्ट्री में, उनके आई गेस रिटन नोटिफिकेशन के वजह से, लेटर के वजह से उसको बेल मिल गई है उस टाइम पे। बट तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या दिस इज़ नॉट राइट एंड यू आर नॉट डूइंग राइट, और उसके वजह से वो अपने पूरे घर वालों के अगेंस्ट हो गई थी। जबकि मैंने और मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने देखा है कि आंटी अंकल ने एक्चुअली दिव्या के लिए क्या किया है, मतलब इवन आई डू हैव माई मॉम राइट,
बट ऑनेस्टली आई कुड से मेरी मॉम सब कुछ छोड़ा के मेरे साथ यहाँ पे जिंदगी भर नहीं रह सकती है, अपना काम छोड़ के वहाँ पे भाई है, बट आई हैव सीन देम कि वो कैसे पूरी दिल पूरा दिल्ली का घर काम सब छोड़ के दिव्या के लिए यहाँ पे आके रहते थे लिटरली. और जब गगन के वजह से दिव्या वॉज द वन जिन्होंने आंटी और अंकल को घर से निकाल दिया था, इट वॉज बिकॉज ऑफ गगन. तो उसके बाद मैंने दिव्या से अपना रिश्ता तोड़ दिया था. एंड ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ गगन दिव्या भी बाकी और भी जितने फ्रेंड्स थे सबसे अलग अलग हो गए थे. फिर भी मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर एक दो बार मैंने दिव्या को बोला भी कि दिव्या तू आ जाना मेरे घर, आ विल टॉक. बट टिल देन टाइम आई फेल्ट दैट शी इज़ हैप्पी, यू नो इतने साल हो गए, मैंने कहा सब कुछ अच्छा ही होगा. सो बट दो तीन बार वो आई नहीं आऊँगी आऊँगी बोल के, तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा. उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा मे बी आई वॉज रॉन्ग, द गाई इज़ गुड और सब कुछ ठीक है, अगर शादी कर लिए देन इट इज़ फाइन. वरना तो मुझे पहले दिन से पता था एक नंबर का लुच्छा लफंगा है, उसको सिर्फ यूज़ करने के लिए वो आया है बॉम्बे. ये मुझे पहले डे वन से जब से वो फ़ोन पे बात करती थी मुझे तब से पता था. बट उसने किसी की सुनी नहीं उस टाइम पे. एंड देन सडनली अभी दो महीने पहले जब मैं उससे मिली, मैं खुद गई उसके घर गई मिलने के लिए एंड गगन वॉज ऑल्सो देयर. तो वो अंदर ही रहता था, बैठा रहता था, ना दिव्या से कोई लेना देना ना बात करता था. मैं वाज लाइक दिव्या को मैंने पूछा सब ठीक है ना क्या हो गया. देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ. बट ये मारपीट वाली चैप्टर तभी भी उसने मुझे नहीं बताई. देन फिर उसने मुझे बोला कि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, उसको डिवोर्स चाहिए. मैंने कहा अच्छा. बट शी प्रिटेंडेड एज इफ लाइक शी इज़ वेरी स्ट्रांग नाउ. और उसने मुझे बोला कि देवो तू जैसा मुझे चाहती थी ना मैं बन जाऊँ, मैं वैसे ही बन गई हूँ. अभी हम सोलो ट्रिप्स करेंगे, हम घूमेंगे इंजॉय करेंगे, इनके पीछे अभी हम रोएंगे नहीं. मैंने कहा ओके वेरी गुड. तो कुछ दिन के बाद गगन चला गया देहरादून, जहाँ पे भी घर है अभी. देहरादून गया है, कहाँ गया है मुझे नहीं पता. वो दिव्या को बोल के गया कि वो जा रहा है. उसके पहले भी बीच में उसकी मारपीट वगैरह हुई है. तो मैंने दिव्या को तभी बोला कि दिव्या तू NC करवा दे, तू कंप्लेन क्यों नहीं करती, FIR क्यों नहीं करती है. शी वॉज लाइक मैं करूँगी. तभी उसको बीच में गगन की जो गर्लफ्रेंड्स हैं, सो दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो गर्ल्स, बी केयरफुल. अगर आपको दूसरी दिव्या तीसरी दिव्या बनना है शौक से बनिए, बट अगर आपको ये एडवाइस लग रहा है कि सही है आपके लिए आपके घर वालों के लिए, तो आप लोग पहले से ही अभी एक एक FIR करके उसके नाम पे रख दीजिए. सो उसके बाद दिव्या को मैं बीच में मिली तो उसने बोला मैंने NC करवा दी है. उनका वेरी गुड, क्योंकि वो बीच में करवा चौथ के दिन आया था तो उस दिन भी मारपीट करके गया है करवा चौथ के दिन भी. और बीच में तो वो उसका गोल्ड वोल्ड ये सब लेके तो भाग ही चुका था. फिर उस दिन मार के गया, उसके बाद उसने NC करवाया. उसके बाद शायद वो आया नहीं है दिव्या से मिलने के लिए, या तो फिर बीच में आया भी होगा तो मुझे पता नहीं. बट लास्ट अभी जब मैं उससे मिलने गई थी तब उसके पैरों में मैंने बड़े बड़े निशान देखे. एंड मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, ये कहाँ से लग गया. तब भी उस लड़की ने मुझे एक बार नहीं बोला कि ये गगन ने मारा है करके. उसने मुझे बोला कि लाइट शूट पे लग गया. बट आई अंडरस्टूड कि गगन ने मारा है. उसके बाद जब मैं घर पे आई देन शी टोल्ड मी कि करवा चौथ के दिन वो आया था और उस दिन मुझे मार के गया. सो दिव्या माई जो मुझे लग रहा है शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड प्योर सोल. मतलब वो बस अपने पॉइंट को कहीं ना कहीं बिकॉज शी नोज कि पूरी दुनिया ने उसको समझाया था और वो अकेले उस इंसान के साथ खड़ी थी. अगर उस टाइम पे दिव्या उस कमीने के साथ खड़ी नहीं होती ना तो अभी तक वो जेल पे सड़ रहा होता. सो बिकॉज ऑफ दिव्या आज वो बाहर घूम रहा है एंड बिकॉज ऑफ हिम आज दिव्या हमारे पास नहीं है. सो जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का जो मार होता है लाठी का, उसका आवाज़ नहीं होता है, तो उसके साथ वही होगा. बट स्टिल जो लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है, हम अगर हमें लीगली हेल्प नहीं मिलेगी इस चीज़ को लेके फाइट करने के लिए, देन यू नो जो जस्टिस सिस्टम है ना, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें से लोगों का भरोसा उठ जाएगा. सो ऑलरेडी उसके ऊपर केस चल रहा है, 10 साल की सज़ा हो चुकी है. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो अगर उसके अभी हम ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग खुद से बना के या कुछ, एवरी एविडेंस वी हैव, एवरी प्रूफ वी हैव, यू नो एवरीथिंग वी हैव. अगर आप
फिर भी एक FIR दर्ज नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है ना, जिस प्रॉब्लम के वजह से मे बी कोई हिम्मत नहीं करता होगा। ये शायद बहुत ऐसी लड़कियां होंगी जो ऐसे सफ़र कर रहे हैं और हिम्मत कर नहीं पाते, क्योंकि जब हिम्मत करते हैं ना तो सामने वाला कोई मदद ही नहीं करता। पहले तो जो दोस्त करते रहेंगे, 100 में से 90 तो पीछे ऐसे ही हट जाएंगे कि भाई दूसरों का पछड़ा है, हमें क्यों पढ़ना है। अरे भाई, जब दूसरे का पछड़ा है तो तुम आए क्यों दोस्त के नाम पे, पहली बात। सेकंड चीज़, अगर लीगली हमें हेल्प नहीं मिलेगी तो कोई कैसे हिम्मत करेगा कि किसी के उनके साथ जो हो रहा है टॉर्चर या जो भी गलत चीज़ हो रही है उसके अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए, जब सामने वाला हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक नॉर्मल सिटीजन कहाँ जाएगा, लीगल हेल्प के लिए जाएगा ना कि भाई मेरी मदद करो। पर सामने वाला ही अगर बोल देगा कि नहीं ऐसा है वैसा है वो है, अरे यू आर हियर टू हेल्प द नॉर्मल इंडियन सिटीजन राइट, सो आप हेल्प करो ना। कैसे कर सकते हो, कोई भी तो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा ना। वी हैव ऑल द एविडेंसेस, वी हैव ऑल द प्रूफ्स, उसके बावजूद भी अगर आप हेल्प नहीं करते हैं तो लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही सहते रहेंगे। वी हैव विटनेसेस, और क्या चाहिए आपको। एन नंबर ऑफ विटनेसेस, लाइक यू कांट इवन काउंट। सो यू गाइस इवन कांट इमेजिन कि उसके साथ क्या हुआ है। आई नो दिस इज ड्यू टू कोविड, बट अपार्ट फ्रॉम इट, द मेंटल स्ट्रेस, द फिजिकल अब्यूज, एवरीथिंग जो भी वो गई है, गो थ्रू उसने किया है, इट इज़ यू कांट इवन इमेजिन इट। सो या आई वुड लाइक से कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एंड जितने भी लड़कियां हैं या जितने भी लोग ऐसे इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, एक्शन लीजिए। अगर टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे देन फिर से ऐसे ही होता ही रहेगा, ऐसा होता ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। सो या दैट्स ऑल।